मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 फरवरी 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू हो गया है। 40 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करेंगे। 10 दिनों तक यह मेला चले। बड़ी खबर यह है दिव्यांग व वृद्ध जन निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण से दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में रोडवेज विभाग ने 9 सुपर लग्जरी बसें शामिल करने का फैसला लिया है। यह 9 नई बसें 23 फरवरी से जयपुर से संचालित होगी। वैसे आपको बताऊं तो इनमें से जयपुर से मुंबई के लिए दोपहर 2 बजे सुपर लग्जरी बस रवाना होगी। इसका किराया 2048 रुपए रखा गया है। जयपुर से लखनऊ के लिए रात 9:05 पर बस रवाना होगी। उसका किराया 1141 रुपए रखा गया है। इसी तरह जयपुर से हरिद्वार के लिए रात 10 बजे रवाना होने वाली बस का किराया 1156 रुपए रहेगा। जयपुर से अहमदाबाद के लिए रात 9:30 पर बस चलेगी। उसका किराया 1173 रुपए तय किया गया है। और बड़ी बात यह है जयपुर से बीकानेर के लिए शाम 5:10 पर जो सुपर लग्जरी बस रवाना होगी उसका किराया 616 रुपए रहेगा। अगली बड़ी खबर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अपनी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को कहा है कि राजस्थान में यदि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी तभी ये योजनाएं मजबूत होगी। दरअसल आपको बता दूं, गहलोत ने बजट 2023 की घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने को लेकर यहाँ उच्च स्तरीय बैठक में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम सेवक के रूप में जो मैं काम कर रहा हूँ, इतनी शानदार योजनाएं इतिहास में कभी नहीं आई होगी। सीएम ने कहा है कि जो हमने बजट में घोषणा की है उनको जल्दी से कैसे लागू किया जाए, इस पर अब जोर रहेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर के 2 मुस्लिम युवकों को 16 फरवरी को हरियाणा में गो तस्करी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। राजस्थान पुलिस ने घटना में शामिल 9 आरोपियों में से 8 आरोपियों की तस्वीर जारी की है। जुनेद और नासिर की हत्या के आरोप में मानेसर के गोरक्षा दल के संयोजक मोनू मानेसर के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस की ओर से जारी की गई तस्वीरों में मोनू मानेसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर पश्चिमी और मध्य और पश्चिमी भारत में अगले 5 दिन लू चल सकती है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रह सकता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से राजस्थान को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी प्रदेश होने से राजस्थान में खतरा सबसे अधिक है। फसलों को भी यहाँ नुकसान होने की आशंका है। और बड़ी खबर यह भी है, प्रभावित राज्यों में कृषि वैज्ञानिकों को फील्ड में उतार दिया गया है। वह किसानों को बता रहे हैं कि फसल की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाया जाए। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान की अगली किस्त का इंतजार देश के लाखों किसानों को है। इस योजना की अगली किस्त कब जारी होगी इसके बारे में कोई तिथि तो अभी नहीं आई है, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल बीजेपी 24 फरवरी को देश के सभी जिलों में नमो किसान दिवस मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूर्ण होने पर बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा देश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में कल यह तय हो सकता है कि किसानों के खातों में 13वीं किस्त का पैसा कब आएगा, यानी कि कल 13वीं किस्त को लेकर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार ने विशेष योग्य जनों को बड़ी राहत दी है। विशेष योग्य जनों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने एक अलग से वेबसाइट बनाने का निर्णय किया है, और साथ ही में सरकार ने आदेश दिया है कि विशेष योग्य जनों के लिए अब सरकारी के साथ निजी स्कूलों को भी दिव्यांग फ्रेंडली बनना होगा। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो उन पर कार्यवाही होगी। दरअसल कई निजी स्कूलों में विशेष योग्य जनों को प्रवेश ही नहीं दिया जाता। अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी दिव्यांग फ्रेंडली बनना होगा। जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।